पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर रहा, मीन्स कुछ कुछ स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा दर्ज हुई है। एक जगह पर हैवी रेनफॉल भी दर्ज हुआ है, जिसमें सबसे अधिक वर्षा केंद्रपाड़ा में डेरा बिस में 65 मिलीमीटर दर्ज की गई है। हाईएस्ट डे टेम्परेचर पालाका मंडी का 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, भुवनेश्वर का 34.6 और कटक का 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें सीजनल टोटल की, तो 1 जून से लेके आज 12 अगस्त तक अभी तो जो अच्छा रेनफॉल हुआ है 634.9 मिलीमीटर दर्ज हुआ है, जो सामान्य से अभी भी 9% नीचे चल रहा है। 10 डिस्ट्रिक्ट अभी भी डेफिसिट कैटेगरी में बने हुए हैं। स्नोकी सिस्टम की बात करें, मानसून ट्रफ जो कि अभी बीकानेर, सीकर, ग्वालियर, सिद्धी, रांची, दीघा से होता हुआ ईस्टवर्ड होता हुआ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल से जा रहा है। दूसरा जो ट्रफ जो है कि रन कर रही है नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर, जो ट्रफ सर्कुलेशन है उससे होती हुई बांग्लादेश जा रही है, परंतु जो अक्रॉस जा रही है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल और एक्सटेंड हो रही है समुद्र सतह से 1.5 किलोमीटर हाइट पर। तीसरा जो सिस्टम है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो कि झारखंड और नेबरहुड पे समुद्र सतह से 5.8 किलोमीटर हाइट पे बना हुआ है। इन सिस्टम के प्रभाव की वजह से आज भी पूरे उड़ीसा में, होल उड़ीसा में अनेक स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा बनी रहने की संभावना है। उसके अलावा डे वन में जो नॉर्थ उड़ीसा है वहाँ पर थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। 13 तारीख को डे टू में बरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केंदुझर, मयूरभंज इन सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस पर थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और हैवी रेनफॉल होने की संभावना, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है 13 तारीख को। 14 तारीख को भी सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़ में लाइटनिंग के लिए और हैवी रेनफॉल के लिए, जो कि एक दो स्थान पर हो सकती है, वहाँ येलो वार्निंग दी गई है। 15 तारीख को मयूरभंज, केंदुझर, सुंदरगढ़ और साउथ में रायगढ़, कोरापुट, नवरंगपुर, मलकानगिरी इन सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस पर हैवी रेनफॉल की संभावना, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। डे फाइव में 16 तारीख को सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, धौलपुर, देवगढ़, केंदुझर, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर इन सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस पर हैवी रेनफॉल की संभावना, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है।